भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूहों में से एक टाटा ग्रुप ने अब तक की एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी डील कर दी है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने लगभग 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो दिया है दुनिया के दो देशों को। पर इससे तीन महाशक्तियां बड़ी खुश हुई हैं और भारत की तारीफ करने पर जा रही हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया और एयरबस के डील में 40 चौड़ी बॉडी सीट हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट करेंगी, वहीं 210 नैरो बॉडी हैं जो अपने देश के अंदर ही ऑपरेट करेंगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने 470 विमान डिलीवर करने का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 250 हैं एयरबस के लिए, वहीं 220 अमेरिका की कंपनी बोइंग को ऑर्डर दिया है। अमेरिका की कंपनी बोइंग को ऑर्डर मिलने से अमेरिका ने इंडिया के लिए बहुत बहुत थैंक यू भेजा है और थैंक यू के साथ बताया है कि हमारे यहाँ इससे 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे, जिससे अमेरिका को मोटे मोटे तौर पर बहुत सारा फायदा होगा। टाटा समूह ने 59 साल के बाद वापसी की है। अब सबको पता ही होगा कि हाल ही में टाटा ने गवर्नमेंट से एयर इंडिया को परचेज किया था और 59 साल बाद उसने अपनी कंपनी में बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके लिए एयरबस के साथ लैंडमार्क समझौता किया है। इस डील के तहत पीएम नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, रतन टाटा और एयरबस के सभी कार्यकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे को थैंक यू की और इसका बधाई भी दी। वहीं आपको बता दें कि एयरबस को डील मिलने से ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक ने भी भारत को धन्यवाद दिया, क्योंकि एयरबस के सभी इंजन ब्रिटेन में बनाए जाते हैं और जिससे ब्रिटेन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस मौके पर बोलते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि एयर इंडिया और एयरबस के बीच यह करार भारत और फ्रांस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको बता दें कि लंबे समय से रतन टाटा ने इस तरह की डील निकालने की योजना दे रखी थी और यह डील लगभग 80 बिलियन डॉलर की। आप 80 बिलियन डॉलर का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का फॉरेस्ट रिजर्व 5 बिलियन से भी नीचे है और टाटा बस ने लगभग 80 बिलियन की डील कर ली है। वैसे हमारे टाटा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।